नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कोसी इलेक्ट्रॉनिक्स में। और आज के वीडियो ट्यूटोरियल में सीखने वाले हैं जेनिक्स सॉफ्टवेयर के बारे में। बहुत लोगों का व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा था कि जेनिक्स पे वीडियो बनाइए, तो मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, लेकिन कुछ कॉपीराइट कंटेंट के कारण मैंने कुछ इमेज वगैरह यूज़ किया था तो वो डिलीट करना पड़ा था। तो आज फिर से एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए। तो इस सॉफ्टवेयर में सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटअप में जा करके अपना मैट्रिक्स सेलेक्ट करना है। मैट्रिक्स जो है आपका लंबाई और चौड़ाई, मतलब लंबाई में कितने LED हैं, चौड़ाई में कितने LED हैं। तो मेरे हाइट में 50 LED वाला लड़ी है, ऐसा ऐसा 40 लड़ी का हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं चैनल वन में भी दो है, इफेक्ट वन है और इफेक्ट टू है। तो ये सब आपका इफेक्ट है जिसमें बहुत सारे इफेक्ट पहले से आपको दिया हुआ है, और आप चाहे तो दो तीन इफेक्ट को मर्ज भी कर सकते हैं आपस में। तो आप देख पा रहे हैं कि पीछे कुछ और चल रहा है, आगे कुछ और चल रहा है इस टाइप से। और ये जो है मेन विंडो, ये आपका आउटपुट विंडो है, और इधर भी एक चैनल दिया हुआ है तो आप इसमें भी कुछ चला सकते हैं। तो मैं इसमें चला देता हूँ स्टारिफाइड। तो आप देख सकते हैं तीनों मर्ज हो गया। अगर आपको लेफ्ट चलाना है तो लेफ्ट में जाके सेलेक्ट कीजिए, राइट चलाना है तो राइट वाला सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। इस तरह से इसमें डिजाइन सेलेक्ट करते हैं। ये डिजाइन विजाइन तो पहले से सब कुछ दिया हुआ है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी इसको कैसे भी सेट कर सकता है, ठीक है। और हर एक का जो आप प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने ये स्टारिफाइड डिजाइन यूज किया, बाकी सबको बंद कर देते हैं तो आपको दिखा देते हैं, और इसको भी बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका भी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्टार चेंज कर सकते हैं, इस टाइप से। ऑटोमेटिक कलर में जाएंगे तो ऑटोमेटिक कलर चेंज करेगा। ऐसे ही हर एक डिज़ाइन का आप प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। जैसे बॉल है तो बॉल का नंबर ऑफ बल्ब बढ़ा सकते हैं, साइज बढ़ा सकते हैं, कलर आप ऑटोमेटिकली चेंज कर सकते हैं, या आपको जो कलर सेट करे रेड ग्रीन आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। मेन है इसके आउटपुट का बात, तो आइए देखते हैं आउटपुट कैसे लेते हैं। आउटपुट के लिए आपको आउटपुट डिवाइस में जाना है, एडिट में जाना है, और यहाँ पे ये जो है इसमें से ग्लेडिएटर फाइल रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है, और ये जो है आपका लोकेशन है कहाँ पे आप फाइल सेव करना चाहते हैं। तो मैं डेस्कटॉप पे लोकेशन सेट कर रहा हूँ जीजी नाम दे देते हैं, ठीक है, ओके करते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपका सब कुछ करने के बाद यहाँ पर स्टार्ट आउटपुट पर क्लिक करना है, और आपको जो भी डिज़ाइन चाहिए, जैसे मुझे थोड़ी देर बाद ये चलाना है, फिर इधर कुछ और लगा लिए, फेडिंग पिक्सल ही लगा लिए, ठीक है। इस तरह से आप रिकॉर्ड करके चला सकते हैं। ठीक है, जाना है और इसको क्लोज करना है। मेरा इफेक्ट रिकॉर्ड हो गया है। अब जो है LS टर्मिनल एक सॉफ्टवेयर आता है, तो वो सॉफ्टवेयर कुछ इस टाइप से दिखता है, वो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। और हाँ, इसके लिए आपका कंप्यूटर जो है 64-bit का होना चाहिए, सिर्फ उसी में ये चलता है। लोडिंग में जाना है, वीडियो में जाना है, और यहाँ पे अपना मैट्रिक सेलेक्ट करना है। ये एक्यूरेट होना चाहिए जो आप वहाँ यूज किए हैं जेनिक्स में। तो एक्स मेरा था 40 और वाई था 50। लोड जेनिक्स कैप्चर फाइल, जो आपने फाइल बनाया था उसको यहाँ लोड करना है, और सेव एज AVI, तो कुछ भी नाम डाल देते हैं, FF, ओके। ये आपका देख पा रहे हैं कि डेस्कटॉप पे AVI फाइल आ गया, तो इसको कट कर लेते हैं। अब जाते हैं LED एडिट 2014 में, और यहाँ पे आपको चला करके दिखाते हैं। तो ये रहा आपका फाइल, तो आप देख सकते हैं ये आपका जेनिक्स का आउटपुट। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, कुछ समझ नहीं आया तब कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।